हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइज, आज है रक्षाबंधन और मेरा तबीयत का लगा पड़ा है, तो अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी हम नहा लिए हैं, नहा एकदम वो है, बट अभी ड्रेस नहीं पहने हुए क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। और ये रहा मेरा मेहंदी, जो हमें लगाना आता है नहीं, फिर भी हमने लगाया। देखो, और यहाँ पे मैंने अपने भाई के नाम लिखे हैं, दो के नहीं लिखे हैं, दो के लिखे हुए हैं। दो के लिखने वाली थी, इस वाले हाथ पर रात में तबीयत सही नहीं रहा तो फिर इसमें लगाया ही नहीं हमने। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर, और अभी हम लोग मतलब बस ऐसे ही नॉर्मल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के हैं। तो अभी जाएंगे मंदिर, मंदिर से आएंगे फिर तैयार होंगे। बस ज़्यादा तैयार तो मैं होंगी नहीं क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है, तो अगर ज़्यादा तैयार होंगी तो और तबीयत ख़राब हो जाए शायद, तो इस वजह से। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी मतलब हम तीनों बहनें नहा लिए हैं, और अभी भैया लोग नहीं नहाया हुआ है, तो हम लोग मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे शायद वो नहा लें। मतलब हम लोग मंदिर जाएंगे उस टाइम हम लोग आए तो नहा लें वो लोग। और चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मेरे इस तरह की आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हुई हूँ। तो चलो दिखाते हैं आपको, बाय। तो गाइज़ इससे मिलो, ये है बहुत दिन के बाद, ये पागल लड़की। तो गाइज़ ये हमें बहुत दिन के बाद मिले, ये 3 मंथ्स के बाद मिली। ये देखिए मेहंदी कैसा लगा, एकदम गोबर जैसे लगा दिया, कोई बात नहीं काम चल सकता है। तो गाइज़ ये है मेरी बहन, और इससे मैं 3 महीने बाद मिली हूँ। और एक और बहन आ रही है, जल्दी आ, तो एक भाग गई। और अभी हम लोग तैयार नहीं हुए, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर, उसके बाद मंदिर से आएंगे, देन उसके बाद हम लोग तैयार होंगे और मैं गोली लग रही हूँ। और मैं रोगी भी लग रही हूँ, ध्यान मत दीजिए। मैंने तो लगा ही दिया गोबर जैसा, क्या ही कर सकते हैं, तो नहीं काट सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। तो गाइस ये देखिए, ये गोरी लड़की हो गई है, ये पटना जब से गई है, पटना में रह के आई है गोरी होके, इसका एकदम गोरा गोरा। अरे मिट्टी इधर आना, मिट्टी का पर्पल नेल पेंट, गाइस मिट्टी पर्पल नेल पेंट लगाई है, और हमने लगाया ही नहीं। देखिए हमारा नेल एकदम साफ सुथरा हो गया। तो अभी हम लोग दिखाएंगे आपको, बाय। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, हम मम्मी और दीदी, रिचा दीदी नहीं जा रही है, तो मेरे हाथ में जल है और जल गिरे जा रहा है बार बार, और धूप भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, और लो बहुत ज़्यादा धूप है यार, इतना ज़्यादा धूप है कि आँख नहीं खोला जा रहा है। फिर हम लोग जा रहे हैं, और ये है मेरी दीदी, अभी इससे माँ भी आ रही है। तो चलो मैं मंदिर जाके आपको मिलती हूँ, ठीक है? तो गाइस अभी मैं पूजा कर चुकी हूँ, और अभी मैं बैठी हुई यहाँ पे, और सर्दी इतना ज़्यादा हो गया, पता नहीं कैसे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पसीना हो। तो गाइस मैंने पूजा कर लिया, और अभी अंदर में मम्मी और दीदी कर रही है, ये मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे मेकअप को इग्नोर करना, मुझे मेकअप करना नहीं आता, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया है। लिपस्टिक भी मुझे लगाना नहीं आता ठीक से, तो मैंने वो भी अच्छे से नहीं लगाया। और यहाँ पे पूजा कर रही है पीछे आंटी, तो मैंने पूजा, और अभी दीदी और मम्मी करके निकलेगी तो हम लोग कर जाएंगे, या फिर मैं चली जाऊँगी, कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो बने रहो व्लॉग में, मैं दिखाती हूँ घर जाके। अभी मेरा भाई लोग नहाया भी नहीं है, बड़ा कम कुड़ी इंसान है, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तक सोया हुआ है मेरा बड़ा भाई। और मेरे दो भाई नहा चुके हैं, और सबसे बड़ा वाला नहीं नहाया हुआ है, पता नहीं कब आएगा। और
बेइज्जती करने के लिए कहीं भी नहीं छुपती, यहाँ पे बेइज्जती कर रही है। तो बाद में मैंने रो ब्लॉग में भाई, और मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, तो ज़ोर से बोलना में अच्छा नहीं लगता ही। बाय। तो गाइस देखो ये है हमारा मंदिर, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मेरी दीदी भी आ रही है उधर से। बहुत बड़ा मंदिर है ये शिवालय, और मैं सब मुँह इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुँह बनाना। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मुँह बनाती है व्लॉग देख के और ओवर एक्टिंग, तो मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती, मैं घर में भी ऐसे करते रहती हूँ। पूरा ये है मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे मैं और मेरी दीदी दोनों जा रहे हैं घर, तो क्योंकि अभी मम्मी को लग जाएगा एक घंटा अप्रॉक्सीमेट पूजा करने में, तो हम लोग यहाँ बैठ के क्या ही करते, तो हम लोग घर जा रहे हैं। अब शायद मम्मी जब पूजा करके मतलब हो जाएगा तब हम लोग शायद आएंगे, हम आए ना आए दीदी आएगी मम्मी को मतलब मम्मी का सारा पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है और रोड भी पूरा जो है ना गर्म हो गया है। हम दोनों हैं और मेरी एक बहन घर में है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगी हम दोनों का ये आउटफिट है पूरा, तो मैं दिखाऊंगी आपको घर जाऊंगी तो अच्छे से मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाऊंगी। बट अभी देख लो ये हम दोनों का आउटफिट है, मेरा पिंक एंड ग्रीनिश टाइप में है, दीदी का रेड में है और मेरी वो बहन का येलो में है। तो हम लोगों ने लिया हुआ इस तरह बड़ा, और ये जो सूट है ये मेरी मासी माँ ने मुझे दिया है, मैंने कुछ से नहीं खरीदा, दीदी ने रक्षाबंधन के लिए लिया था सूट, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी मासी माँ ने दे दिया था। और ये सूट का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो मैंने पहले ही जब मुझे मिला था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मैं पहनूंगी रक्षाबंधन में ही। उन्होंने मुझे बर्थडे पे दिया था, बोला था बर्थडे पे पहन लेने, लेकिन मुझे ये अभी पहनना था क्योंकि रक्षाबंधन बहुत अच्छा हम लोग मतलब वैसा रहता है क्या न्यू न्यू पहने, तो इस वजह से अभी हमने ये पहनना है हमने, तो इसलिए मैंने ये पहना हुआ ये सूट। और ये सूट बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर लगता है, कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये मेरी छोटी वाली मासी माँ ने मुझे दिया है बर्थडे पे गिफ्ट, तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा सूट देने के लिए। और चलो घर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। और देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोड पे लोग हमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, और मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो मैं ऐसे करके चलूँगी। अब घर आ गए हम लोग, अब हमारी दादी भी जा रही है पूजा करने के लिए और हम घर आ गए। और ये रबर बैंड मैंने हाथ में लिया हुआ, क्योंकि बाल कर्ल हो जाएगा मतलब टेढ़ा हो जाएगा, वो अजीब हो जाएगा बाल, तो फिर फोटोज अच्छे नहीं आएंगे हमारे, तो मैंने बाल खोल लिया। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर का हाल पता देखते हैं कि कौन जगा है, कौन सोया है, कौन नहाया कौन नहीं, तो चलो। One hour later.